नगरी वृंदावन करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ सिर्फ देश से नहीं बल्कि पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ आकर भगवान की सेवा करते हैं। ऐसी ही एक भक्त रशिया से वृंदावन आई तो दर्शन करने थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो यहीं की होकर रह गई। रशियन युवती को यहाँ एक लड़के से प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे को इस कदर पसंद आए कि बात शादी तक पहुँच गई। सात समंदर पार से कृष्ण की भक्ति यूना को वृंदावन खींच लाई। यहाँ उसकी मुलाकात 20 साल से रह रहे राजकरण से हुई, जो वृंदावन में रहकर अपने गुरु की आज्ञा से गायों की सेवा कर रहा है। यूना भी उसके साथ गौ सेवा में शामिल हो गई और राजकरण के साथ मिलकर गौ सेवा करने लगी। धीरे धीरे साथ में सेवा करते करते इन दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने अप्रैल 2023 में हिंदू रीति रिवाज के साथ दिल्ली में शादी कर ली। अब दोनों दिन में गौ सेवा करते हैं और शाम को वृंदावन के इस्कॉन मंदिर के पास ही लोगों को धार्मिक पुस्तकें और चंदन लगाकर अपना पेट पालते हैं। दोनों की जोड़ी देखकर स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले श्रद्धालु भी अचंभे में पड़ जाते हैं। राजकरण ने किसी भी तरह की कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की है और यूना ठहरी रशिया से, जिसे हिंदी तक नहीं आती, लेकिन फिर भी प्यार की भाषा ऐसी कि दोनों एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। वैसे तो दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, यूना की उम्र 36 साल है तो वही राजकरण 35 साल के हैं। यूना ने शादी के बाद से पूरी तरह से ही भारतीय संस्कृति को अपना लिया है। गले में मंगलसूत्र भी पहनती हैं और मांग में सिंदूर भी लगाती हैं। यही नहीं, पैरों में पायल भी पहनती हैं। Okay, what's your name and where are you from? My name is Yulia. I am from Russia. Okay, so from how many days you are living in India? Second year. It's your second year. So what are you doing here? You know, we are looking that you are doing. Mostly we are doing Gau Seva and evening time we are doing Tilak. Okay. So what's your husband name? Rajkaran. And how you met him? We were doing Gau Seva together. Okay. And then how you got married, you know? We went to Delhi and got married. Okay. So from how many times you have married him? How many times? From how many days? You know, when you got married? In April. Gau Seva. पूरे वृंदावन में जहाँ जहाँ गैया मिलती हैं, भूखी प्यासी अन्नी पन्नी कचड़ा खाती है, उनको हरा चारा खिलाती। ये जो आपकी जो विदेश पत्नी है, कैसे मिली आपको, क्या ये नाम है? सब गौ माता ने मिलाया। किस तरह से मिली थी आपको ये गौ माता की सेवा में उतर आए तो गौ माता की सेवा हम भी करते हैं, गौ माता का आशीर्वाद है। ये सब यही वृंदावन में मुलाकात हुई, वृंदावन से बाहर कहीं गए नहीं वृंदावन। क्या नाम है इनका? इनका ओल्या नाम में कोई और नाम भी दिया गया है? और तो यही नाम है, मतलब राशि का इनका देश का नाम। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हो गए जो 3 महीने लगभग हो। कहाँ पर हुई थी शादी? दिल्ली। दिल्ली में हुई। इनके परिवार वाले आए थे शादी में? परिवार नहीं। कितनी उम्र करीब इनकी? 36 साल। और आपकी? हमारा 35 साल।